ऐनी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर मुझे याद रखेगी। ओह, तो ये बात है। आज वो आया, फलाने ये कर दिया, फलाने ये बात कह दी, ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो कौन कहेगा कुछ? मेरा एक ही तो बेटा है, मेरे दिल में बहुत अरमान है अपने बेटे के लिए। मम्मी प्लीज प्लीज, आपको तो पता है ना फिलहाल मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहूंगा। बड़ा टेढ़ा मामला है, लेकिन तू इसकी फिक्र ना कर, मैं किसी से पड़ी हुई चीनी मंगवाती हूँ, वो तो चाय और शरबत में अदनान को दे दिया कर। अच्छा, उससे क्या होगा? उसको तेरे अलावा फिर कोई नजर ही नहीं आएगा। सच्ची? अम्मी क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? अरे हाँ, तू देखती जा कि मैं क्या क्या करती हूँ। अरे अम्मी, आपको मेरी कितनी फिक्र रहती है। माँ जो हूँ तेरी। हे बेटा, मेरा तो जी चाहता है तेरी सास को ना तीसरे माले से नीचे फेंक दूं। अम्मी, ऐसी खौफनाक बातें तो ना करें। मगर बेटा, तेरी जान तो छूट जाएगी ना। और आप जो जेल चली जाएंगी वो? तू फिकर ना कर, कोई माई का लाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हजार बहाने हैं मेरे पास। नहीं नहीं अम्मी प्लीज, मैं पड़ी हुई चीनी से ही काम चला लूंगी, लेकिन आप वादा करें कि आप मेरी सास के बारे में कुछ बुरा सोचेंगी भी नहीं। अच्छा, वो तेरी सगी माँ से बढ़कर हो गई है क्या? अम्मी आप भी ना बस। Excuse me, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी नहीं। वैसे अम्मी, आपके ख्यालात में तो रातों रात तब्दीलियां आ जाती हैं। हाँ, ये तो है। कल तक तो आपको ऐनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और आज सुबह से वो आपकी पसंदीदा हो गई। क्यों, तुम्हें मेरा ये अंदाज बुरा लगा क्या? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो ऐनी
शुरू से अच्छी लगती है। आपको पसंद नहीं थी इसलिए मुझे भी कोई खास नहीं लगी। खास तो वो है, इसलिए तो तुम्हारा भाई उसके पीछे पागल है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा मैं आपने। बेटा मैं कभी गलत कहती ही नहीं हूं। ये तो है। जब ये पड़ी हुई चीनी चाय और शरबत के साथ अदनान के जिस्म में जाएगी तो वो मेरी बेटी का गुलाम बन जाएगा। बड़ी माँ माँ करता है ना। फिर देखती हूँ माँ को पूछता है या मेरी बेटी को। जो देखा वो सच करते हैं बस। आपके आने की मुझे बेहद खुशी हुई है। हाँ मुझे आना ही पड़ा। क्या मतलब आप यहाँ आना नहीं चाह रही थी क्या? नहीं मेरा दिल यहाँ आने को चाह ही नहीं सकता। अम्मी के कहने का मतलब यह है कि हम लोग तो यहाँ बहुत दिल के साथ आए हैं। जब किसी का बेटा छीन लिया जाता है ना तो वो दिल से नहीं मजबूरन आता है। किससे छीन लिया आपका बेटा? आपकी बेटी ने। कहाँ है? नजर नहीं आ रही। एकेडमी में पढ़ाती है, बस आती ही होगी। लेकिन आपका इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। आखिर वो ही हुआ जो आपकी बेटी चाहती थी। अब ये बताइए कि शादी का क्या इरादा है, कब तक करेंगी? मैं आपको सोचकर बताऊंगी आया मुझे आपका रिश्ता कबूल करना भी है या नहीं। आपको सोचने की क्या जरूरत है? अगर मैं ये रिश्ता लेकर ना आती तो आपकी बेटी कोर्ट मैरिज कर चुकी होती। तो शुक्र करें कि आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं आपके घर आ गई हूं। इसके बावजूद भी मुझे सोचने का वक्त चाहिए। तो ठीक है आप सोचिए हम चलते हैं। चलो उठो। अम्मी अम्मी चलो। अम्मी इस तरह से नहीं। अम्मी ऐसे कैसे चले? अम्मी मेरी बात तो सुने। बिल्कुल गलत बात की है तूने। अरे अपने पे पाबंदियां लगवा कर अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। नहीं अम्मी अब उन्हें मेरा ख्याल खुद रखना होगा। आप देख लीजिएगा अदनान मुझसे खुद कहेंगे कि अपने मैके जाओ। ए, भूल जाइए सब। वो बहुत शातिर लड़का है समझी। वो ये बात कभी नहीं बोलेगा। अम्मी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे पहले मोहब्बत करता होगा। उसे एक कम उम्र लड़की से शादी जो करना थी उसने तुझे घेरना था सो घेर लिया। अरे 50% शौहर शादी के बाद अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते वो क्या करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आंटी भी बहुत अच्छी है। आपको पता है कि वो अदनान से खुद कहती हैं कि सारा को लेकर उसके घर जाया करो जबकि उन दिनों में आपसे रोज मिल रही थी। अरे अपनी सास की मोहब्बत चाहत और मीठी जबान पे यकीन मत करना। अम्मी आपको आइडिया नहीं है आंटी बहुत नाइस हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। अरे अभी कल ही की तो बात है मुनीरा बेगम की बेटी की जिठानी मिली थी मुझे मार्केट में। वो बता रही थी कि अदनान की मंगनी हुई थी उनकी बेटी के साथ। चले अम्मी मजबूरी ही सही। एटलीस्ट उन्होंने अपने बेटे की बात तो मानी ना। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले कि उसकी जिठानी ने मुझसे क्या कहा था। क्या कह रही थी? हाँ वो कह रही थी कि मुनीरा बेगम ने उनसे वादा किया है कि वो सारा को जल्द घर से निकाल देंगी और अदनान की शादी उनकी बेटी से कर देंगी। Ah
गॉड, सारिम की अम्मी नहीं आई और आज तो आदमी लेट हो ही गई थी। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी इतनी देर क्यों हुई? अब रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक थी। सारिम की अम्मी तो आगे चली भी गई। आगे चली भी गई उससे मिले बगैर? वो कुछ जल्दी आ गई थी, खासी देर बैठी है। अच्छा, क्या कह रही थी? सारिम की और तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। तो आपने क्या कहा? यही कि सोचकर जवाब दूंगी। ठीक कहा आपने, इतनी जल्दी हामी नहीं भरनी चाहिए। एनी बेटा, क्या मुझे ये हक है कि मैं उनको सोच विचार के बाद जवाब दूं? क्यों नहीं अम्मी, आपको पूरा हक हासिल है, बल्कि आपको तो मुझसे पूछना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा आप ना जल्दी से खाना लगा दें, जब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ये क्या खाला, आपने तो बिस्तर ही संभाल लिया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। चलो उठे, खाना बनाए। शहजादी, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, उसे तो हिला भी नहीं जा रहा, पूरा जिस्म दर्द कर रहा है बेटा। ये बहाने बहुत पुराने हो चुके हैं खाला, मेरी सहेली आने वाली है और खाने में सिर्फ मैं आपसे सिंधी बिरयानी और खीर का तो कह रही हूँ, कौन सा 10-15 खाने बनाने को कह रही हूँ। नहीं बेटा, बाहर से मंगवा लो खाना, सच उससे हिला भी नहीं जा रहा। नवीद ने मुझे सख्ती से मना किया कि बाहर से खाना नहीं आएगा, चलो उठे खाना बनाएं, वरना नवीद आपसे ही नाराज हो जाएंगे। अम्मी, हम लोग तो भाई के रिश्ते के लिए गए थे ना? हाँ गए थे, अगर आप तो उन्हें जलील करके आई हैं, भला इस तरह से कोई अपने बेटे का रिश्ता किया करता है? वो लोग इससे बढ़कर जलील हैं, उन्होंने मेरा बेटा हत्या लिया और मैं उन्हें शाबाश देती और कहती कि जो तुम लोग चाहते हो वो ही होगा। आप कुछ भी कहें, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सारी भाई सिर्फ एनी से ही शादी करेंगे, तो अगर ये सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाता तो क्या था? एनी ने जो मुझे दुख दिया वो क्या कम है? उसकी माँ के दिल पे भी तो चोट लगनी चाहिए थी। मगर मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भला रिश्ते जोड़ने की बातें कोई नफरत भरे अंदाज में थोड़ी किया करते हैं। वो आंटी, मैं एक बात सोच रही थी, अदनान आपके एक ही बेटे हैं तो उनके लिए लड़कियां तो बहुत देखी होंगी आपने, है ना? अदनान के लिए तो मैं उस वक्त से दुल्हन तलाश कर रही हूँ जब वो छोटा सा था। अच्छा, तो आपके खानदान वाले भी चाहते होंगे रिश्ता करना? हाँ, बेटी के ससुराल वाले चाहते थे कि उनकी फैमिली में अदनान का रिश्ता हो जाए,
मगर आपको शायद उनकी लड़की पसंद नहीं होगी। नहीं, लड़की भी अच्छी थी और लोग भी बहुत सुलझे हुए और आला तालीम याफ्ता थे। तो फिर आपने क्यों नहीं की अदनान की शादी वहाँ? अदनान के नसीब में तुम जो लिखी थी। वो तो ठीक है, लेकिन आपके भी तो अरमान होंगे ना, तो फिर आपने अपनी पसंद की बहू लाने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, बाज़ औक़ात वही होता है जो औलाद चाहती है। वालदेन की कोशिश करने या चाहने से कोई फायदा नहीं होता। अदनान ने खानदान में शादी नहीं की, इसका आपको दुख तो बहुत हुआ होगा। नहीं, मुझे क्यों दुख होगा, मैं तो खुश हूँ। लेकिन तुम आज मुझसे किस किस्म की बातें कर रही हो सारा? आज अगर मैं लड़कर अपने घर बैठ जाऊं तो आप तो फट से अदनान की दूसरी शादी करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने घर सोच समझ कर जाना होगा, और फिलहाल तो जाना ही नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं आपसे फोन पर टाइम लेकर नहीं आई। से लोग इस बात को अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? सारिम के रिश्ते की जो ईंट आप मेरे सर पे मार के आई थी, इसी सिलसिले में कुछ कहने आई। साफ साफ बात कीजिए, मुझे पहेलियां पूछने की आदत नहीं है। मुझे सारिम का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मंजूर नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। वैसे आपने अपनी बेटी से जरूर पूछ लेना था, ऐसा ना हो कि कहीं बाद में वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। आपको मेरे घर के मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। जैसे आपकी खुशी। अरे आंटी, आप यहाँ, मुझे बताती ना, आप फोन कर देती, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा देता। हाँ, आपने क्यों जहमत की आने की? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी, चाय तो पी के जाइए हमारे साथ। मैं जो जवाब देने आई हूँ उसमें ना बैठा जाता है और ना ही रोकना बनता है। मैं समझा नहीं आंटी। मुझे ऐनी के लिए तुम्हारा रिश्ता कबूल नहीं है। आंटी, आंटी प्लीज, आप हमें ये क्या किया आपने? तुमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, वो हमारे ही घर में हमें आकर दुत्कार के चली गई और तुम बोल रहे हो कि हमें ये सब किया? तो मैं उनसे जाके भी पूछता हूँ कि आखिर ऐसा करने की वजह क्या है, क्यों मना किया उन्होंने? अरे उनको कोई अच्छा रिश्ता मिल गया होगा, तुमसे बेहतर इसलिए कर रही है। अरे अम्मी, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो एक साइको खानदान है, इसलिए उनका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। अम्मी, आप एनी की फैमिली को अच्छी तरीके से जानती नहीं है, आपको नहीं पता कि किन हालात से गुजर रहे हैं वो लोग। तुम्हें बहुत पता है ना, तो तुम भी उस फैमिली में जाके ना साइको हो जाओगे, साइको। शुक्र है मेरे अल्लाह, मेरी जान छुट गई, खुद वो औरत आकर मुझे मना करके चली गई। तो वाह, जैसी माँ वैसी बेटी। पागल कर दिया मुझे आपकी माँ ने, ये ना करो वो ना करो, फलाना काम करो फलाना काम ना करो, कोई मेहमान आए तो तमीज से आओ, दुपट्टा ओढ़ के आओ, सलाम करो, अदब से बात करो। मैं तो थक गई हूं ईमान से। मेरी माँ तुम्हारी खाला भी है, और मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद इतनी जल्दी तुम अपनी खाला से बजन हो जाओगी। ये खाला, ताई, चाची, फूफी, ये सारे रिश्ते ना शादी से पहले के होते हैं, शादी के बाद सब सास बनी हुई होती है, और ऐसी सास के हर वक्त परेशान करती रहे। शर्म करो, शर्म करो शहजादी, इतना ख्याल रखने वाली सास के लिए तुम इस कदर जहर उगल रही हो। नवीद, नवीद, आपको अंदाजा नहीं है कि अलग रह के जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती है, और आप भी हर वक्त की टेंशन से बच जाएंगे। मेरी बात आज आखिरी मर्तबा सुन लो, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो आप अपनी माँ के लिए अपनी बीवी को छोड़ देंगे? माँ की खातिर तो मैं ये दुनिया छोड़ सकता हूं। मोहब्बत हम सफर मेरी।
आपने फिर भी मना कर दिया। हाँ, सारिम की माँ तुम्हें कतई पसंद नहीं। तुम तो खुद ही कहते हो कि सोना मर्द नहीं पहनते। अम्मी, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपकी होने वाली बहू के लिए मांग रहा हूँ। अभी ये मुझसे कह रही थी कि दाल चावल नहीं खाने इसको, बाहर से टिक्का बोटी और कबाब पराठे सब ला कर दूं इसको। मैं आप ला कर दें? हाँ, अच्छा, तो आप अपने नाम की तरह तबीयत की भी शहजादी। कोई पहचान।